यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान पर पुतिन को एक और बड़ा झटका दिया। यूक्रेन सरकार का दावा है कि उसके सैनिकों ने कीव के पास रूस के एक और लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया, जिसे पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे अब पुतिन की यूक्रेन के लिए बनाई रणनीति पर भी सवाल उठने लग गए। लेफ्टिनेंट जनरल दिनिस मेरुयेव रूस के 40वें ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिनकी जंग के मोर्चे पर जान चली गई। बताया गया कि राजधानी कीव के पास यूक्रेन की सेना के साथ हुई भीषण जंग के दौरान उनकी मौत हुई। जेलेंस्की सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेना ने युद्ध में अब तक रूस के 7 जनरल मार गिराए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि इसी वजह से पुतिन को अपनी सैन्य रणनीति में कई बार बदलाव करना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा करता है कि कई जगहों पर रूस की सेना या तो भाग खड़ी हुई या यूक्रेन के सैनिकों के सामने उसने सरेंडर कर दिया। अपने इसी दावे के बल पर यूक्रेन ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी। और जेलेंस्की सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि अब तक रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और जंग के मोर्चे पर मरने वालों में रूसी सेना के 40 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें 33 कर्नल रैंक के अधिकारी और 7 जनरल भी हैं जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे।